तो ये जो आप देख पा रहे हैं CVZ एक्सट्रीम बाइक का हेड है। हेड में हमें इसकी हेड वाल की फिटिंग करनी होती है। तो चलिए हेड वाल को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा विपर जप्ति आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका हेड है। हेड में हमें इसकी हेड वाल की फिटिंग करनी होती है। ये इसकी ओल्ड हेड वाल है और ये इसकी न्यू हेड वाल है। ओल्ड हेड वाल के डैमेज होने के कारण हेड वाल की हमें फिटिंग करनी होती है। हेड वाल की फिटिंग करने के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी वाल सील है और ये इसके नीचे की साइड की वार्सल दी गई है। वार्सल को हमें एडजस्ट करना होता है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी वाल का स्प्रिंग दिया होता है। स्प्रिंग को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। तो चलिए हेड वाल को लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए ये इसकी न्यू हेड वाल है। हेड वाल के डैमेज होने से बाइक में प्रेशर की दिक्कत आने लगती है। प्रेशर की दिक्कत को खत्म करने के लिए हेड वाल को हमें चेंज करना होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी एग्जॉस्ट वाल है, यानी कि बड़ी वाल। इस वाल को हमें बड़े वाले खांचे में इसके अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। तो चलिए वाल को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए वाल की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। उसके बाद इसके ऊपर की साइड के स्प्रिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसके ऊपर की साइड का स्प्रिंग दिया गया है। स्प्रिंग को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद ये इसके ऊपर की साइड की प्लेट दी गई है। इस प्लेट से हमें वाल के ऊपर की साइड एडजस्ट करना होगा। और इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके हेड वाल की कटर दी गई है। दोनों कटरों को हमें एडजस्ट करना होगा। और इसके बाद हेड पुलर की सहायता से हेड वाल की हमें फिटिंग करनी होती है। तो इसलिए हेड वाल को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके हेड का पुलर दिया गया है। हेड पुलर को वाल के नीचे की साइड हमें लगाना होता है और इसके बाद पुलर की सहायता से इसकी कार्टरों को हमें नीचे की साइड एडजस्ट करना होगा। इसलिए हेड वाल कार्टर को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कार्टर की फिटिंग नीचे की साइड आ चुकी है। इसके बाद हेड कूलर को हमें खोलकर बाहर निकालना होता है। ये देखिए दोस्तों इस साइड से हेड वाल की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद इसके दूसरी साइड की हेड वाल को हमें एडजस्ट करना होगा। तो चलिए हेड वाल को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये इसकी छोटी वाल है, यानी कि इनलेट वाल। इस वाल को हमें इस वाले खांचे के अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा। ये देखिए इस साइड से हेड वाल की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसके स्प्रिंग को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसके ऊपर की साइड का स्प्रिंग दिया गया है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसकी प्लेट को हमें लगाना होता है और ये इसके हेड वाल की कटर दी गई है। दोनों कटरों को हमें एडजस्ट करना होगा और हेड कूलर की सहायता से हेड वाल की हमें फिटिंग करनी होती है। तो चलिए हेड वाल को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके हेड का कूलर दिया गया है। हेड कूलर को हमें यहाँ पर लगाना होगा और इसके बाद इसकी कार्टरों को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए कार्टरों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोनों साइड से हेड वाल कटर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। दोस्तों जो CVZ एक्सट्रीम बाइक की हेड वाल चैन की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।